चलिए इस वक्त की बड़ी अपडेट पर नजर डालते हैं। राजधानी भोपाल से आपको अपडेट बता रहे हैं। बारिश से बर्बाद हुई सड़कों के बाद महत्वपूर्ण बैठक हुई। सड़कों के संबंध में हुई बैठक अब खत्म हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा हालात को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। इस बैठक में सीएस पीएस के साथ पीडब्ल्यूडी और सीपीए के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी इस बैठक में थे। राजधानी भोपाल के साथ साथ तमाम जिलों में बदहाल सड़कों की हालत को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, गड्ढे खत्म करें। खराब सड़कों को लेकर लगातार खबरें दिखा रहा है अनादि टीवी। अभी अभी ये बड़ी अपडेट सामने आई है। सड़कों के संबंध में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई है। खासतौर पर जिस तरह के मौजूदा हालात है और बरसात के बाद जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, ऐसे में स्पष्ट रूप से काम को लेकर जो लापरवाही हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को फटकार लगाई है और जल्द से जल्द हालातों में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यह बैठक समाप्त हुई है, जहां से अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सड़कों की बदहाल हालत को लेकर अनादि टीवी भी लगातार आपको अपडेट दे रहा था और जिस तरह से तमाम जिलों में बरसात के बाद हालात बने हैं और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर गंभीरता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बरसात के बाद तमाम जिलों में जिस तरह से सड़कों के हाल खराब हुए और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से अधिकारियों को फटकार लगाई है, क्या लगता है हालात सुधरेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि राजधानी की जो सड़कों की हालात है, अनादि भी लगातार इसको उजागर करता रहा। आज भी हमने एक कार्यक्रम इसको लेकर दिखाया था कि शर्म की सड़कें, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी गड्ढे भरे नहीं जा रहे। तो आज मुख्यमंत्री ने खुद सीएस पीएस पीडब्ल्यूडी सीपीए नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया था, भोपाल कलेक्टर के साथ साथ पीएस नगरी प्रशासन भी इस बैठक में, और गड्ढों को लेकर सीएम ने उन्होंने जबरदस्त फटकार लगाई है। क्योंकि खराब सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, तुरंत प्रभाव से राजधानी की सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनका पेचवर्क किया जाए, सफाई की जाए, धूल धक्का हटाई जाए। क्योंकि इसके साथ उन्होंने कहा भोपाल की सड़क की जिम्मेदारी एक या दो एजेंसियों के पास हो, ढेर सारी एजेंसियों की जरूरत नहीं। क्योंकि भोपाल में जब भी खराब सड़कों की बात आती है तो पीडब्ल्यूडी कहता है कि सड़क बीडीए की, बीडीए कहता है सीपीए की, सीपीए कहता है नगर निगम की है। ऐसी तमाम सारी जो एजेंसियां वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देती हैं और जब उनको मरम्मत की काम आती है तो कभी बजट का रोना रोते हैं, कभी कहते हैं कि हमारी सड़क नहीं है। तो इसको लेकर, लेकिन उसका खामियाजा आम आदमी भुगतता रहता है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। उसके पहले भी कई बार ये बात उठी है कि नोडल एजेंसी एक बना दी जाए सड़कों को लेकर, जिसका जिम्मा सड़क बनवाने से लेकर मेंटेनेंस तक का हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। शुक्रिया सर विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि मनोज सर बता रहे थे कि तमाम जिलों में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से एजेंसियां एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल करती है और जिसके चलते जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर अधिकारियों को फटकार लगाई है और कहा है कि नो एक्सक्यूजेस, आपको गड्ढे खत्म करने हैं।